अच्छा स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज के सेशन को। लास्ट टाइम जो हमने वर्ड्स किए थे अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। जी, हाइपोथेटिकल था, आइडियोलॉजी था, इडियलिक था और इलिसिट। ठीक है जी, हाइपोथेटिक था, फर्ज किया हुआ, मफरूजा खुद से सोचना किसी चीज के बारे में। आइडियोलॉजी नजरिया है, ठीक है ना। और उसके बाद इडिलिक था, दिलकश ब्यूटी के साथ, खूबसूरती के साथ। इलिसिट था ममनुआ, ठीक है ना, जैसे कि इलिसिट ड्रग्स। ये वो वर्ड्स थे जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे। आज देखते हैं जी, फर्स्ट वर्ड क्या, इम्पार्शल। इम्पार्शल वैसे कहते हैं गैर जानबदार को, लेकिन जरा इसको डिटेल में देखते हैं। इम्पोर्टेंट, इनएक्यूरेट और इंडिजिनस। फर्स्ट वर्ड जो है वो है इम्पार्शल। Not supporting one person or group more than another. किसी एक की तरफदारी ना करना, unbiased भी कह लें आप इसको। जी? Exit का बटन। अच्छा जी, not supporting one person or group more than other, यानी किसी को सपोर्ट, एक को सपोर्ट ना करना, पार्शल रहना, impartial रहना, गैर जानबदार रहना। और as a chairman I must member impartial। जी जेब, कुछ कहना चाह रही हैं आप? अपना माइक ऑफ कर लें। अच्छा जी, an impartial chairman, an impartial trial, neutral, unbiased, जिसमें आप किसी की हिमायत नहीं करते, गैर जानबदार रहते। नेक्स्ट वर्ड जो है वो आज का इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट कहते हैं कमजोर को, हैविंग नो पावर टू चेंज थिंग्स और इन्फ्लुएंस अ सिचुएशन, नॉट हैविंग द पावर और एबिलिटी टू चेंज और इम्प्रूव अ सिचुएशन। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है कि आपके अंदर किसी किस्म की ताकत नहीं है कि आप कोई चीज चेंज कर सके, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट का एक और मतलब भी है कि जो बंदा अपनी नस्ल को आगे कंटिन्यू ना कर सके मर्दों के लिहाज में, उसको भी इम्पोर्टेंट कहते हैं, ठीक है। वीक होता है वैसे, इसको आप याद रखने के लिए लिखें, वीक, हेल्पलेस, पावरलेस, कमजोर, ठीक है जी। She blazed with important rage. Blaze कहते हैं जलना, वो जल रही थी। Rage कहते हैं गुस्से को, यानी गुस्सा था लेकिन कमजोर सा गुस्सा था, ताकत कोई नहीं थी कि वो कुछ ना कुछ कर सकती उसके खिलाफ, बस गुस्सा ही दिखा सकती थी और वो अपने गुस्से के अंदर जल रही थी। They were virtually impotent against the power of the large companies. बड़ी कंपनीज की ताकत के सामने वो बेबस थे, कमजोर थे, इम्पोर्टेंट थे, ठीक है जी। हेल्पलेस और पावरलेस हम इसको इस सेंस में याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इनैग्यूरेट। इनैग्यूरेट कहते हैं इफ्तिताह करना, जैसे वो फीता काटते हैं, उसको इनैग्यूरेशन सेरेमनी कहते हैं। किसी नई कंपनी को लॉन्च कर रहे हैं, कोई और चीज हो रही है, कोई फैक्ट्री खुल रही है, तो उसको इनैग्यूरेट। Inaugurate somebody to introduce new public official or leader at a special ceremony. ठीक है ना? To officially open a building or start organization with a special ceremony. To put something into use or action officially. इफ्तिताह करना, बस आप ऐसे याद रखें। इसके family word है inauguration और inaugurate। इफ्तिताह करना, इनॉग्यूरेट।
और उस प्रोसेस को कहेंगे इनॉग्रेशन सेरेमनी। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड जो सा है इंडिजिनस। इंडिजिनस कहते हैं अबाई, मुल्की, इलाकाई, लोकल, बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस रदर देन कमिंग इट फ्रॉम समवेयर एल्स। ठीक है, कहते हैं JF-17 इज इंडिजिनस टू पाकिस्तान। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इलाकाई जहाज है, पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ जहाज, इसको इंडिजिनस कहेंगे। Naturally existing in a place or country rather than arriving from another place. Domestic, local. ये जी आज हमने कहाँ तक वर्ड्स याद कर लिए, 240 तक कंप्लीट हो गए। अब आपने सैटरडे संडे को इनको रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद जब आप मंडे को आए दोबारा तो आपके पास 240 आपको 201 से 240 तक अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो idiom भी आज का देख लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 5 चल रही थी हमारी। जी, इट्स बियॉन्ड मी, नॉट माय कप ऑफ टी, ड्रीम ऑन और दैट्स अ फर्स्ट, टू गुड टू बी ट्रू। ये काफी आम इस्तेमाल होता है idiom, टू गुड टू बी ट्रू। यू से टू गुड टू बी ट्रू टू रेफर टू समथिंग स्पेशली गुड और फेवरेबल दैट यू फील कैन नॉट बी ट्रू और रियल और दैट डज नॉट हैपन। ठीक है ना, जब आप किसी चीज को जो एक्सेप्शनली बहुत अच्छी चीज हो दैट यू फील कैन नॉट बी ट्रू और ये सोचें कि मुमकिन नहीं हो सकता और हकीकत में ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा हो, मतलब उसको आप कहते हैं टू गुड, बहुत अच्छी है टू बी ट्रू कि ये सच नहीं हो सकती। इस सेंस में द बैंक मैनेजर ओरिजिनली सेड दैट आई माइट गेट अ बैंक लोन टू स्टार्ट माई न्यू बिजनेस बट इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू। नहीं नहीं, ये पॉजिटिव के सेंस में ही है लेकिन ये कि जरा मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद एक और देख लें जी, दैट्स ऑल आई नीडेड, दैट्स ऑल आई नीड। आप कहते हैं दैट्स ऑल आई नीड टू रेफर टू अ डिफिकल्ट डिफिकल्टी और समथिंग अनप्लेजेंट व्हिच अकर्स व्हेन यू आर ऑलरेडी हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद। ठीक है, पहले से काफी ज्यादा मुश्किलात आपकी जिंदगी में मौजूद हैं और अचानक कोई एक और नई चीज आ जाती है, दैट्स ऑल आई नीडेड। जैसे आयरोनिकली नहीं कहता, बस इसी चीज की जरूरत रह गई है, यही रह गया था पीछे, ये भी हो गया, कहते हैं ना पंजाबी में या उर्दू में, तो उस सेंस में कहता है दैट्स ऑल आई नीडेड, दैट्स ऑल आई नीड। अब ये चीज रह गई थी वो भी हो गई है। आई हैव स्पेंड द मॉर्निंग ट्राइंग टू सॉर्ट आउट द केटरिंग अरेंजमेंट्स फॉर द वेडिंग रिसेप्शन एंड नाउ यू से दैट द बैंड हैज कैंसल। ठीक है, मैं आगे बड़ी मुश्किल से चीजें अरेंज कर रहा हूँ, अब तुम कह रहे हो जी बैंड कैंसिल हो गए, दैट्स ऑल आई नीड। ठीक है जी, तो हमारे आप इसकी तस्वीर ले लें आपके सामने अगर आ रहे हैं, 4 to 5 जो idiomatical expressions हैं, it's beyond me, that's first, not my cup of tea, dream on, too good to be true, that's all I need। ठीक है ना, मोबाइल से पिक्चर वगैरह ले लें और स्क्रीनशॉट लेनी है स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर ये के आप इसको अब मंडे को याद करके ले जाइए। आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह, बाकी फिर मंडे को डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।